सफाई कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोले सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 चरणों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत राहतगढ़ नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों ने संगठन के प्रदेश आह्वान पर आज 4थे चरण में काली पट्टी बांधकर नगर परिषद कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती तो 5वें चरण में सफाई कर्मचारी सफाई करने का काम अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। दुनिया करेगी जिक्र हमेशा हुसैन का, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। समस्त देशवासियों को इस्लामिक नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। मिन जानिब आबिद भाई, जनता टेंट हाउस एवं डीजे, राहतगढ़ जिला सागर, मध्य प्रदेश। गौरतलब है कि सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सफाई ठेका समाप्त किया जाए और रोस्टर प्रणाली को सफाई कर्मचारी वर्ग के पद से शिथिल किया जाए, सफाई कर्मचारियों को सभी वेतनमान का लाभ दिया जाए। इस तरह कुल 18 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भैया हम लोगों ने ये प्रदेश स्तर की हम लोगों की मांग चल रही है सफाई कर्मचारियों की, तो ये हम लोगों के 6 चरणों में है। पहले चरण में हम लोगों ने SDM को और CM साहब को ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके माध्यम से दिया है। दूसरे चरण में पत्रकार वार्ता थी पत्रकारों के साथ। तृतीय चरण में हम लोगों ने प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, विधायक सांसद वगैरह जी को, अध्यक्ष जी को ज्ञापन दिया। तीसरे चरण, चौथे चरण में आज चौथा चरण है, काली पट्टी बांधकर हम लोगों ने शासन का विरोध प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी की है। और अब अंतिम पाँचवा चरण है, 29 तारीख को तक अभी नहीं होता तो हम लोग का काम बंद रहेगा। काम बंद सर, अनिश्चितकालीन भी हो सकती है सर, यदि हम लोगों की मांग हो जाती है नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। हम अपना अधिकार मानते हैं, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय।